चारधाम यात्रा पर घमासान नमस्कार, मैं हूं शंकर दत्तपंत। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा अब अपने चरम पर चल रही है। अब तक 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु यात्रा में शामिल हो चुके हैं और अभी भी लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन के लिए अपने स्टॉल बुक कर लिए हैं। ऐसे में सरकार और प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती है कि यात्रा में बढ़ी हुई भीड़ को कैसे मैनेज किया जाए और कैसे श्रद्धालुओं को बिना किसी परेशानी के दर्शन कराए जाए, यात्रा में आई हुई भीड़ को परेशानी ना हो, इसीलिए पुलिस ने अब एक विशेष प्लान तैयार किया है। देखिए रिपोर्ट। कोरोना के 2 साल बाद शुरू हुई चार धाम यात्रा अब अपने चरम पर पहुंच रही है, जिसमें रोजाना लाखों की संख्या में श्रद्धालु और सैलानी उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। चार धाम यात्रा में श्रद्धालुओं को बिना किसी बाधा के दर्शन हो सके, इसके लिए पुलिस विभाग ने एक विशेष यातायात प्लान तैयार किया है, जिससे श्रद्धालुओं को चारों धाम के साथ साथ उत्तराखंड के अन्य दूसरे पर्यटक स्थल और तीर्थ स्थलों के भी दर्शन हो पाएंगे। चार धाम यात्रा को लेकर विपक्ष भले ही सवाल खड़े कर रहा हो, लेकिन बीजेपी अपनी सरकार की पीठ थपथपा रही है और बेहतर मैनेजमेंट के लिए अधिकारियों और सरकार की प्रशंसा कर रही है। प्लान दें कि देखिए अभी तो रोका गया है, अभी एक टुकड़ी गई हुई है, दूसरा तब जाएगा। आप 24 घंटे, आपके पास 1.5 दिन बचा है, आप इस रूट पे जाइए, वहाँ यह व्यवस्था है, ये रोमांच के स्थल हैं, ये दर्शनीय स्थल हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो हर 10 किलोमीटर पे देवी देवताओं के मंदिर हैं, जो कि उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने बद्री हैं, जितने केदार हैं, जितने यमुनोत्री हैं, उतने गंगोत्री हैं, सब जगह हैं। तो इसको जो है चैनलाइज करना है, प्लान करना है, सब मैनेजमेंट का गेम है। भीड़ एक जगह एकत्रित ना हो, उनको डाइवर्ट करिए अन्य पर्यटक स्थलों की ओर, तो सारी भीड़ मैनेज हो जाएगी। दूसरी तरफ कांग्रेस ने अब भी चार धाम यात्रा में अव्यवस्थाओं को लेकर सरकार पर कई तरह के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि विपक्ष जब चार धाम यात्रा में व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए कह रहा था, तब सरकार विपक्ष के सुधारों को गंभीरता से नहीं ले रही थी और उसी का खामियाजा आज देखने को मिल रहा है। सरकार ने जो व्यवस्थाएं बनाई थी वो सभी पटरी से उतर चुकी है। कोरोना के 2 साल में चार धाम यात्रा नहीं चल पाई और ऐसे में व्यक्ति अपने अपने प्रदेशों में कहीं ना कहीं अवसादग्रस्त भी हुआ, तो इस बार टूरिस्ट सेक्टर में दबाव बढ़ेगा ये सबको पता था। और चार धाम यात्रा में तो खासकर इतने सारे लोगों का ऑलरेडी बुकिंग्स पहले ही आ चुकी थी, तो विपक्ष चिल्ला चिल्ला कर इस बात को कहता रहा। मेरे अध्यक्ष तो स्वयं पदयात्रा करके आए चारों धामों की और उसके बाद उन्होंने यहाँ पर फीडबैक दिया है 9 मई को सरकार को कि जो इंतजाम हैं वो माकूल नहीं है। राज्य सरकार और प्रशासन अपने स्तर पर चार धाम यात्रा को बेहतर बनाने के लिए प्रयासरत है, जिससे श्रद्धालुओं को बिना किसी रुकावट के धामों के दर्शन हो सके। लेकिन लाखों की संख्या में पहुंचे श्रद्धालु अब सरकार के लिए चुनौती बन रहे हैं। ऐसे में चार धाम यात्रा के क्षेत्र के लिए विशेष यातायात प्लान लागू किया गया है। इस क्षेत्र को 8 जोन और 28 सेक्टर में बांटा गया है। इस क्षेत्र में रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक यात्रियों के वाहन नहीं चल पाएंगे। इसके अलावा इस क्षेत्र में 3 पहिया वाहनों का संचालन भी बंद रहेगा। देहरादून से अभय कैंतुरा की रिपोर्ट। तो चारधाम यात्रा शुरू है और घमासान मचा हुआ है। विपक्ष सवाल व्यवस्थाओं को लेकर उठा रहा है और ये सवाल इसलिए उठा रहा है क्योंकि कहा जा रहा है कि पहले से ही सरकार को इस बात का आभास था कि श्रद्धालुओं की संख्या इस बार ज्यादा होगी, लेकिन उसके बावजूद भी व्यवस्थाएं नहीं की गई हैं। अब सरकार की तरफ से जैसे जैसे स्थिति सामने आ रही है उसी तरह से एक्शन प्लान भी बनाए जा रहे हैं। अब यातायात को लेकर भी एक प्लान बनाया जा रहा है। देखना होगा कि आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं की जो परेशानियों कितनी कम होती है।
अमरजीत सिंह प्रदेश प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। बाकी मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही देर में, भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी से भी। लेकिन पहला सवाल आप ही से, अमरजीत सिंह जी, आप लोग बार बार ये सवाल उठाते थे कि व्यवस्थाएं सरकार दुरुस्त कर लें, व्यवस्थाएं दुरुस्त नहीं है। सरकार ने बार बार कहा कि व्यवस्थाएं बिल्कुल ठीक हैं, विपक्ष बेवजह सवाल उठा रहा है। अब जो अव्यवस्थाएं सामने आई हैं चारधाम यात्रा को लेकर, इस पर आपका क्या कहना है? क्या आप लोगों ने जो बातें कही थी अब वो सही साबित हो रही है? शंकर जी, निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी लगातार, जब से चारधाम यात्रा शुरू भी नहीं हुई थी उससे पहले हम कह रहे थे सरकार से कि आप वहां की व्यवस्थाएं सुचारू करिए, बहुत कमियां थी, जो कमियों को हम लगातार उजागर करते रहे। लेकिन हमारी जो राज्य सरकार है वो इस पर कोई ध्यान देने के लिए राजी नहीं थी, उल्टा वो हमारे ऊपर आरोप लगा रहे थे कि आप हमारी व्यवस्थाओं में कमियां ढूंढ रहे हो और इससे जो है चारधाम यात्रा प्रभावित होगी। हम तो लगातार उस सबसे पहले दिन, जब जिस दिन द्वार खुले, बद्रीनाथ केदारनाथ का पाठ खुले, सबसे पहले दिन हमारे प्रदेश अध्यक्ष स्वयं पैदल यात्रा करते हुए वो चारधाम की भी यात्रा करी और आकर के उन्होंने वहां की जो व्यवस्थाएं उनकी उनकी भी पोल पट्टी खोली, किस प्रकार से वहां शौचालय की व्यवस्था नहीं थी, वहां पर रास्तों का बुरा हाल था, रहने के लिए व्यवस्था नहीं थी, पीने के लिए पानी नहीं था और उसके बाद तो लगातार बिजली की बड़ी वहां समस्या खड़ी रही। तो ये लगातार हम समस्याओं को उजागर करते रहे। आज भी देखिए जिस प्रकार से लगभग 60 से ऊपर लोगों ने अपनी जान गंवा चुके अब तक लोग जी 60 से ऊपर लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। बिल्कुल, तो ये स्थिति है, मतलब अब सरकार सुनने को तैयार नहीं, क्योंकि अगर आप विपक्ष के तौर पर सवाल उठाओगे तो अहंकार में जो चूर ये सरकार है वो ये समझती है कि हमने जो कर दिया वही सही है, क्योंकि अब मुख्यमंत्री का ध्यान केवल चुनाव की तरफ है, मंत्रियों का ध्यान केवल दिल्ली यात्रा विदेश यात्राओं में ही है, कोई मतलब सुनने को तैयार नहीं है। नहीं, उनका ये कहना अमरजीत जी कि इतना उनको आशंका नहीं थी, इतना आभास नहीं था कि इतने लाखों की तादाद में श्रद्धालु आ जाएंगे, इसीलिए ठीक है अब जो चीजें कमियां पता लग रही हैं उनको दूर भी किया जा रहा है, ऐसा नहीं है। शंकर जी, सबसे बड़ा झूठ ये है कि सरकार कहती है कि हमें नहीं पता था कि इतनी संख्या में लोग आने वाले हैं। ये हम ही नहीं, कांग्रेस पार्टी ही नहीं, तमाम और भी विपक्षी दल हैं और सरकार भी लगातार यह बात कहती रही कि 2 साल से यात्रा बंद है, इस बार आने वाले यात्रियों की संख्या 2 गुनी से 4 गुनी होगी और वही बात हमारी सत्य हुई, 2 गुनी से 4 गुनी यात्रा में बाहर यात्री जो आए वो यहाँ पहुंचे। उसके बाद सरकार खुद असमंजस में थी, कितने यात्रियों को भेजा जाए, उनकी जांच परख कैसे की जाए, उनको रास्तों में रोका जाए, सरकार को खुद फैसला क्या लेना है इस पर सरकार खुद पशुपेश में थी। उसके बाद देखिए कि जिस प्रकार से यात्रियों को हरिद्वार में रोका गया, ऋषिकेश में रोका गया, हजारों की तादाद में यात्री सड़कों पर रहने को मजबूर हो गए, वो सीमित पैसा लेकर के उत्तराखंड आए थे चारधाम यात्रा के लिए और वो ना यात्री आगे नहीं तो रोका अमरजीत जी इसलिए गया क्योंकि अव्यवस्थाएं ना हो, भगदड़ ना हो और इसीलिए सरकार ने एक ये चीजें तय की हैं, तो इसमें ये तो स्वागत के योग्य है क्योंकि आप लोगों को भी इसका स्वागत करना चाहिए कि भाई ऐसी कोई स्थिति कल को ना बने। मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप शंकर जी, लेकिन यहाँ पर आप यात्रियों को बार बार आमंत्रित कर रहे हो और आपको पता है ज्यादा यात्री आएंगे, आपको उनकी व्यवस्था करनी चाहिए थी। जो पंजीकरण कराया जा रहा था वो सिर्फ पंजीकरण का जो सही प्रचार नहीं हुआ, लोग बिना पंजीकरण के जानकारी के लोग आते चले गए, ये किसकी जिम्मेदारी, या आपकी जिम्मेदारी थी या विपक्ष की जिम्मेदारी थी या सरकार को जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी? लोगों तक संदेश कौन पहुंचाएगा कि यहाँ आने से पहले पंजीकरण कराइए, पंजीकृत यात्री ही आगे बढ़ पाएंगे, ज्यादा यात्री यहाँ ना आए ताकि लोग परेशानी ना हो। अंतोगत क्या हुआ, यात्री आ गए और ये सरकार को मालूम था, सरकार ये कह दे कि पल्ला झाड़ दे कि हमें नहीं मालूम था कि यात्री ज्यादा आएंगे, ये सर्वविदित था, आपको भी पता था, तमाम मीडिया बार बार ये बात कह रहा था, विपक्षी दल ये बात कह रहे थे और सरकार को भी ये बात मालूम थी। सरकार ने विभिन्न प्लेटफॉर्मों में भी माना इस बात को कि इस बार आने वाले यात्रियों की संख्या 2 गुनी से 4 गुनी होगी और वही हुआ। तो अब व्यवस्था का सरकार नहीं कर पा रही, सरकार अपनी कमियों को छुपाने का काम कर रही है यहाँ पर। तो ये यात्रा जो अमरजीत जी चल रही है, कांग्रेस पार्टी का इस पर क्या मानना है कि किस तरह से यात्रा होनी चाहिए थी, क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए, थोड़ा आप लोग सुझाव भी तो दीजिए ना, खाली इस तरह से सवाल उठेंगे तो इसका एक नेगेटिव इफेक्ट भी जाता है। नहीं, विपक्ष ने बिल्कुल हमेशा सार्थक भूमिका निभाई है और हम चाहते हैं, हम प्रार्थना करते हैं ईश्वर से कि ये यात्रा सफल हो, आने वाला यात्री यहाँ से अपने घर लौटते जाए, एक संदेश दे पूरी देश दुनिया में कि मैं उत्तराखंड गया, मेरी यात्रा बड़ी सुखद रही, हम तो चाहते हैं। लेकिन सरकार किसी बात को सुनने को तैयार कहाँ है? सरकार तो विपक्ष हर बात को एक आलोचना के रूप में लेके चलती है, सरकार को चाहिए
विपक्ष को साथ ले, विपक्ष की बात सुनने को तैयार कब हुआ है? तब उन्होंने गलतियां मानी कि जब कमियां उजागर करने की बात विपक्ष ने करी, सरकार ने कभी भी नहीं माना इन बातों को। अगर सरकार निश्चित रूप से मानती कि वहां पानी की व्यवस्था नहीं है, वहां शौचालय की व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, मार्ग ठीक नहीं है, वहां जाने वाले परिवहन जो वाहनों की बड़ी कमी है लोगों के लिए, और फिर लूट खसूट हो रही है, किराए भाड़े दो गुने चार गुने किराए भाड़े कर दिए गए। आप ये देखिए, सरकार तो सुनने को तैयार थी कहां शंकर जी? आप ये मत कहें कि कांग्रेस पार्टी या विपक्षी दल केवल आलोचना के लिए, आलोचना भी हमारी सार्थक आलोचना थी कि सरकार सोई भी जागे, लेकिन सरकार सुने तब ना। अच्छा अमरजीत जी, आपने भी देखा होगा अभी काफ़ी दिन हो गए यात्रा को शुरू हुए, बहुत से ऐसे यात्री हैं जो कि खुश हैं, उनको लगता है कि व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं, बहुत सभी प्रशासन के अधिकारी, मंदिर समिति के जितने भी लोग हैं, पदाधिकारी, सब लोग उनको सहयोग कर रहे हैं और बहुत एक अच्छा अनुभव उनका रहा है, सुखद अनुभव रहा है, बहुत अच्छा एक मैसेज लेकर वो उत्तराखंड से जा रहे हैं। तो ये दूसरा पहलू ये भी है, अगर कुछ कमियाँ हैं तो कुछ लोग खुश भी हैं कि व्यवस्थाएं अच्छी हैं सरकार ने इस बार। हम ये नहीं कह रहे कि मान लीजिए आज की तारीख में 30 लाख अगर यात्री आए हैं तो सब लोग परेशान होकर जा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आने वाला यात्री अगर 10% 20% भी यहाँ से परेशान होकर जा रहा है तो उसकी संख्या लाखों में हो जाती है। तो ऐसा ना हो, सरकार समझे। और ठीक है, 80% लोगों ने कहा यात्रा सुखद रही, तो होनी भी चाहिए, हमारे तो मांग ही यही है कि उनकी यात्रा सुखद हो, लेकिन एक भी व्यक्ति, एक भी परिवार, एक भी आया हुआ ये श्रद्धालु यहाँ से एक अच्छी छवि लेकर जाए उत्तराखंड से। यहाँ अगर पर्यटन मंत्री जाकर दुबई में भी आमंत्रित करके आते हैं लोगों को कि उत्तराखंड आइए, आपका स्वागत है जी। चलिए आप बने रहेगा अमरजीत जी हमारे साथ, विशाल चौधरी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, प्रदेश प्रवक्ता हैं आम आदमी पार्टी के। विशाल जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी मिल पा रही है। विशाल जी, ये यात्रा जो चल रही है चारधाम की, आप लोग भी इस पर सवाल उठा रहे हैं कि आप लोगों को भी लगता है कि सरकार ने जो व्यवस्थाएं करनी चाहिए थी दरअसल वो हो नहीं पाई? देखिए निश्चित रूप से जो ये यात्रा है इसका एक राष्ट्रीय नहीं अंतरराष्ट्रीय महत्व है, और देवभूमि में जो भी सरकार सत्ता में रहती है उसकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अपने राष्ट्र की और राज्य के सम्मान का भी कहीं ना कहीं इस विषय से बहुत महत्वपूर्ण जुड़ाव रहता है। और जिस प्रकार से वर्तमान सरकार द्वारा जी पूर्व में जो खोखली तैयारियों की बातें की गई थी कि भाई हमारे पास ऐसा पूरा मैकेनिज्म है कि कितनी भी भारी संख्या में श्रद्धालु यात्रा में आएंगे तो किसी को किसी प्रकार की कोई समस्या हम लोग उत्पन्न नहीं होने देंगे। लेकिन आप देख सकते हैं कि मात्र 45 दिन के अंदर तमाम ऐसी स्थितियां देखने को मिल रही हैं कि पूरी यात्रा भगवान भरोसे चल रही है, और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये डाटा कह रहा है। और खुद पीएमओ की के द्वारा जो सेंट्रल की मॉनिटरिंग कमेटीज हैं या जो सेंट्रल की एजेंसीज हैं वो मॉनिटरिंग करने इस यात्रा को यहाँ पे आ रही हैं, क्योंकि उनको राज्य पे कोई विश्वास नहीं रह गया है। कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि पूरी भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस समय चंपावत चुनाव और मैं समझता हूं कि सोसेबाजी में पूर्ण रूप से मशगूल है। अगर आप धरातल की बात करें तो वहां पर स्थितियां बेहाल हो चुकी हैं, और मैं समझता हूं कि नैतिक जिम्मेदारी पर्यटन मंत्री की भी बनती है और राज्य के मुखिया की भी बनती है। और पहले आप कह रहे थे कि हम हजारों की संख्या में भी पंजीकरण होगा तो हमें कोई समस्या नहीं आएगी, हमारे पास ऐसा मैकेनिज्म है और सारी व्यवस्थाएं हमने चार धाम के संबंध में कर ली है, किसी प्रकार की कोई त्रुटि कहीं को देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन आज स्थिति यह हो गई है कि आप पर्यटन विभाग के पोर्टल्स पे कह रहे हैं कि अब लिमिटेड पंजीकरण कीजिए, और आप उसके अंतर्गत जिन लोगों ने पूर्व में अपने टिकट बुक करा लिए हैं, जिन यात्रियों ने श्रद्धालुओं ने यहाँ पर पहुंचने की डेट निर्धारित कर दी है, परिवार के साथ पूरी योजना बना ली, अब आप उनके संबंध में अब निर्णय लेने जा रहे हैं कि भाई आपको अभी आना है नहीं आना है, तो ये मतलब बहुत ये बात गले से नीचे नहीं उतर रही है। तो पूर्णतः भारतीय जनता पार्टी सरकार का फेलियर है, और मैं समझता हूं कि ब्यूरोक्रेसी की समझ बीजेपी को नहीं है, क्योंकि आप आरंभिक दौर से देख रहे हैं कि ब्यूरोक्रेसी से कैसे काम कराना चाहिए या चीजों को इंप्लीमेंट कैसे किया जाना चाहिए
या किस प्रकार से एक सुशासन की सरकार चलती है। बीजेपी कहीं भी अपने आप को मैं समझता हूं कि सिद्ध नहीं कर पा रही है। लेकिन व्यवस्थाओं की जहां तक बात है विशाल जी, तो ये तो आप लोग भी मानेंगे कि भाई देखिए भीड़ इतनी ज्यादा हो रही है, तो उसमें बार बार सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि भाई जो भी यात्री आए हैं वो रजिस्ट्रेशन अब जरूर कराएं। हालांकि शुरुआत में ये संदेश नहीं था, जब भीड़ बढ़ी तो उसके बाद तो बाकायदा बिना रजिस्ट्रेशन के तो मना कर दिया गया कि यात्रा नहीं होगी। तो ऐसे में दिक्कत ज्यादा ना हो इसीलिए रजिस्ट्रेशन अगर बंद हुए हैं, कहीं पर यात्री फंसे हुए हैं, तो कुछ तो दिक्कत है उनकी भी यात्रियों की, क्योंकि एक संदेश देने के बाद भी आप आ रहे हैं अगर बिना रजिस्ट्रेशन के तो भाई आपको रोका जाएगा निश्चित है। देखिए निश्चित रूप से जो भी टेक्निकल चीजें हैं या जो वास्तुस्थितियां हैं हम उस पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूंगा कि चारधाम यात्रा कोई नया कोई एक ऐसा आयोजन नहीं है कि जो पहली बार राज्य सरकार कर रही है, और मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय महत्व है। और आप पूर्व में जब आपने ऐसी घोषणाएं करी और आप इस तरीके से बयानबाजी कर रहे थे कि जिम्मेदार मंत्री पार्टी के सरकार में जो बैठे हुए हैं या खुद मुखिया राज्य के, और आज आप लोग उन चीजों से अपना पल्ला झाड़ रहे हैं कि भाई आज स्थितियां थोड़ी सी बदल चुकी हैं और हम लोगों के हाथ में आज कहीं ना कहीं समस्याएं हम समस्याओं के अंतर्गत पड़ चुके हैं क्योंकि भीड़ ज्यादा हो चुकी है और हमारे पास व्यवस्थाएं कम है। तो भाई इस चीजों पे आप मैकेनिज्म पहले डेवलप किया जाना चाहिए था ना, आपने क्यों नहीं उस चीजों को पहले उस पर काम किया, क्योंकि ये कोई सामान्य यात्रा नहीं है भाई, इसका एक धार्मिक और एक भावनात्मक भी एक महत्व है। और मैं समझता हूं कि पूरे राष्ट्र से लोग देश भूमि आते हैं, तो कहीं ना कहीं ये सवाल सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पे नहीं उत्तराखंड के आम नागरिक के सम्मान के साथ भी जुड़ता है कि उत्तराखंड की जो व्यवस्थाएं हैं वो सुचारू रूप से संचालित भी हो रही है, चाहे वो उड़ीसा का व्यक्ति है गुजरात का व्यक्ति है, आज आकर किस प्रकार की छिछलेदार बीजेपी की सरकार में राज्य की हो रही है। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि एक गैर जिम्मेदाराना व्यवस्था जो की जा रही है पूरी यात्रा में आरंभिक दौर से, मात्र अभी 45 दिन बीते हैं और मैं समझता हूं कि एक बड़ा राजस्व और कहीं लोगों की आजीविका, हमारे राज्य के नागरिकों की आजीविका इस यात्रा पे मैं ऊपर टिकी हुई होती है, तो कहीं ना कहीं भाजपा का बहुत बड़ा फेलियर है। अमरजीत जी क्या लगता है कहां पर चूक गई सरकार? देखिए मैं अगर आपको मैं कुछ पॉइंट्स आप बताइए ताकि क्लियर होता जाए सब कुछ। हाँ आप देखिए सबसे पहले सरकार ने एक नया शगुफा छोड़ा यहाँ पर, लोगों का सामंजस्य में डाला। पहले ये बात आई कि आने वाले सभी यात्रियों का सत्यापन होगा, ठीक है, सरकार अपनी उस बात से भी पीछे हटी, इनका होगा उनका नहीं होगा, पंजीकरण को लेकर भी सरकार ऐसे ही रही, लेकिन सीमित यात्री आएंगे सीमित नहीं आएंगे। धन सिंह रावत जी का कोई और बयान आता है, उधर से मुख्यमंत्री जी कोई और बयान देते हैं, उसके बाद आप देखिए जो स्थितियां हाथ से जब चीजें निकलती हैं तो पीएमओ को दखल देना पड़ता है, पीएमओ को विशेष रूप से एनडीआरएफ को लगाना पड़ता है केदारनाथ में, उधर से उनको साथ में अन्य जो दल रहते हैं हमारे पैरामिलिट्री फोर्स लगानी पड़ती साथ में मदद के लिए। तो ये सब समझा जा सकता है कि सरकार के हाथ जब चीजें जाती नहीं दिखी तो केंद्र सरकार को भी दखल देना पड़ा, क्योंकि ये ऐसा ये भी पहली बार हुआ इतिहास में, ऐसा कभी नहीं हुआ चीजें हाथ से निकलती नजर आए। तो उसके बाद भी आप देखिए आज की स्थिति भी ये है कि कितने यात्री जाएंगे, कौन जाएंगे, आगे इनको रोका जाएगा, इनको ऋषिकेश रोका जाएगा, इनको देवप्रयाग में रोका जाएगा, सरकार खुद नहीं जानती कि क्या करना है। और उसके अलावा भी आप देखिए कि मंत्रियों का बयान देख लीजिए आप, लगातार सतपाल महाराज लगातार बयानबाजी करते रहे, अपने अधिकारियों को डांट खिलाते रहे, आज की भी उनके मैं देख रहा था कार्यक्रम उनका, उसमें भी अधिकारियों को डांट डपट रहे थे, मतलब जहां जिम्मेदारी पर्यटन मंत्री की खुद है वो तो अन्य कामों में व्यस्त है, अधिकारियों के भरोसे उन्होंने सारी यात्रा छोड़ी हुई है, मुख्यमंत्री इनकी भी जिम्मेदारी बनती है, सब मुखिया है तो सब सारी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री की बनती है, वो अपने चुनाव में व्यस्त है, मुख्यमंत्री चुनाव में व्यस्त है तो दो दो तीन तीन मंत्रियों की ड्यूटी लगा रखी है, वहां धन सिंह रावत की ड्यूटी लगा रखी है, सुबोध उनियाल की ड्यूटी लगा रखी है जिनका विभाग ही नहीं है, आज मैं पढ़ रहा था प्रेम अग्रवाल जी की ड्यूटी भी लगा दी उन्होंने प्रेमचंद अग्रवाल जी की। तो ये समझ सकते हैं आप एक यात्रा एक जो पर्यटन विभाग का जिसकी जिम्मेदारी बनती है उसके लिए चार चार मंत्री लगा दिए गए हैं, केंद्र सरकार उसमें देखरेख में ये सब काम हो रहा है, उसके बाद भी अगर फेलियर होते हैं तो ये फेलियर सीधा सीधा धामी जी का फेलियर है। ठीक है ठीक है ठीक है जी, ठीक है, मैं रुका लगातार कहते रहे इस बात, ठीक है। देवेंद्र भसीन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, बहुत बहुत स्वागत है देवेंद्र जी आपका, थोड़ा आप लेट जुड़े,
लेकिन ये सुना होगा आपने अमरजीत जी को, अभी विशाल जी तो थोड़ी देर पहले यही सवाल उठा रहे थे, अमरजीत जी ने कहा कि फेलियर है सरकार पूरी तरह से। मुझे बताइए कि सरकार को अब याद क्यों आ रहा है बार बार कि भाई ये भी हमको प्लान बनाना चाहिए, ट्रैफिक प्लान बनाना चाहिए, यात्रियों को कैसे सुविधा दी जाए ये प्लान अब बनाना चाहिए। क्या आपको लगता है कि सरकार चूक गई है देवेंद्र जी व्यवस्थाएं करने में? सरकार बिल्कुल नहीं चूकी है। मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहूंगा पहले। अब शंकर जी समस्या यही देख लीजिए आपके सामने, वो अपनी चूक मानने को तैयार नहीं है। अमरजीत जी अब तो कृपया शांत हो जाइए। सुन लेते हमारे साथी तो इस बात पर आमादा है कि चार धाम यात्रा को बदनाम कैसे किया जाए। मैं अपनी बात कह लूँ, उसके बाद बोलिएगा ना, अपनी बात बोलिए। आप बहुत बोल चुके हैं ना अमरजीत जी, आप तो बोल चुके हैं, आप बोल चुके, मुझे बोलने दीजिए ना। आपका जब बीच में मेरा व्यवधान पैदा करना सिंह साहब बोलने साफ है कि आपकी नियत चार धाम यात्रा को बदनाम करने का है। आपका सकारात्मक रुख नजर नहीं आ रहा, मुझे अफसोस है इस बात का। पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा पहले कि आज की तारीख में 11 लाख से अधिक हमारे यात्री चार धाम की यात्रा कर चुके हैं और इसके अलावा हेमकुंड साहब की यात्रा भी शुरू हो गई है जो कि बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। तो ये अपने आप में अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। हम जानते थे कि पहले जो अधिकतम संख्या होती थी वो करीब 14 लाख तक जाती थी, आज इन इतने ही दिनों में करीब 3 सप्ताह के अंदर ही हम 11 लाख का आंकड़ा पार कर चुके हैं और आप खुद देखेंगे कितना बड़ा एक कार्य प्रदेश में हो रहा है। हाँ, कुछ दिक्कतें हैं, मैं उसे स्वीकार करता हूँ, लेकिन उन दिक्कतों का समाधान करने के लिए हमारी सरकार लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री जी लगातार खुद इसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं, इसके अलावा अमरजीत जी खुद ही कह रहे थे कि 3-3 मंत्री हमने लगा रखे हैं, स्वास्थ्य सेवाएं लगी हुई है पर अमरजीत जी बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए, कृपया बोलने दीजिए। आप उत्तराखंड आने वालों को क्यों हतोत्साहित करना चाहती है कांग्रेस? कांग्रेस ने ठेका ले लिया है क्या कि उत्तराखंड को बदनाम करना है, बाकी चार धाम यात्रा को खराब करना है? आप कृपया करके मुझे अपनी बात कहने दीजिए अमरजीत जी। मुझे लगता है कांग्रेस के लोगों ने क्या किया कि एक खराब वीडियो तक चला है प्रदेश को बदनाम करने के लिए, ये तो इनका कांग्रेस के नेताओं का हाल है। फिर बाद में माफी मांगने लगते हैं, फिर नकारात्मक बोलते हैं। तो कृपया करके मेरा कहना यह है कि चार धाम की यात्रा उत्तराखंड की आरती के बहुत बड़ा पहलू है और उसमें कितनी बड़ी यात्राएं होती हैं, दिक्कतें हर जगह आती हैं, यहाँ भी आ रही हैं, लेकिन उसका समाधान करने के लिए पूरी सरकार तत्पर है। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि हम लोगों ने ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों पंजीकरण के आधार पर यात्रियों को हम आगे भेज रहे हैं। हम ये भी जानते हैं कि हर क्षेत्र की अपनी अपनी एक कैरिंग कैपेसिटी होती है और उसके हिसाब से प्रशासन अपना काम करता है, वो काम चल रहा है और किसी प्रकार से जो भी दिक्कत होती है किसी स्थान पर भी उसका तत्काल समाधान हो रहा है। पॉजिटिव वीडियो इतने चल रहे हैं, लोग अपनी जो प्रशंसा कर रहे हैं वो अपने आप में बड़ा महत्वपूर्ण है और लोग संतुष्ट होकर जा रहे हैं। अगर संतुष्ट ना होते या यहाँ की सरकार पर और केंद्र सरकार पर भरोसा ना होता इतनी बड़ी संख्या में क्यों आते? कांग्रेस पहले दिन से नकारात्मक बोल रही है, लेकिन पहले दिन से ही यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है और मैंने कहा आज का आंकड़ा 11 लाख को पार कर चुका है। उन्होंने एक दो सवाल उठाए देवेंद्र जी, एक तो वो ये कह रहे हैं कि जो आपने रजिस्ट्रेशन बंद कर दिया अचानक से, उसमें जो यात्री ऑलरेडी उत्तराखंड आ चुके हैं अपना प्लान बना चुके हैं, अब वो क्या करेंगे जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं? पहली बात तो मैं ये कहना चाहूंगा कि यात्रा प्रारंभ तभी की जाती है जब पंजीकरण होता है। अगर बिना पंजीकरण के यात्री आते हैं निश्चित तौर पर दिक्कत सरकार को। शुरुआत में तो शायद ऐसा नहीं था, बाद में आप लोगों ने रूल बनाया था कि पंजीकरण, हमने कहा था सबसे कि बिना पंजीकरण के यात्रा प्रारंभ मत कीजिए, ये हमारी एडवाइजरी है। हमारी एडवाइजरी हेल्थ को लेकर के भी है, जितनी दुखद मौतें हुई है उनमें हमने देखा है कि इसमें अधिकांश लोगों की मृत्यु जो है वो स्वास्थ्य कारणों से हुई, किसी को बीपी की समस्या थी, कोई पोस्ट कोविड के मरीज थे, दुखद स्थिति है, हम मानते हैं चीज को, लेकिन सरकार ने पूरी व्यवस्था करने के साथ साथ जवाब दीजिए स्वास्थ्य सुविधाएं विस्तार किया। तो संक्षेप में बोलिएगा अमरजीत जी, फिर जो विशाल जी के पास जाना, वक्त बहुत कम है। अमरजीत जी हाँ बोलिए, सुना आपने देवेंद्र जी को। कांग्रेस पार्टी विपक्षी दल होने के नाते सरकार को चेताने का काम करती है और यहाँ वकील साहब कह रहे हैं कि हम आलोचना कर रहे हैं, आप जो है एक गलत संदेश देना चाहते हैं। ये भूल गए कि जब केदारनाथ में आपदा आई थी, अगले वर्ष जब सब चीजें ठीक करने के बाद यहाँ पे हमने यात्रा शुरू करी थी, माने हरीश रावत जी तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, तो इन्हीं के जो सांसद आज हैं निशंक जी, वो ये संदेश दिया करते थे उत्तराखंड आने वाला यात्री वो सर पे कफन बांध के आए, ये संदेश तो भारतीय जनता पार्टी दिया करती थी। हम तो आपको चेताने का काम कर रहे हैं कि आप इन चीजों को ठीक कीजिए, आप अपनी कमी को दुरुस्त कीजिए, आपको आलोचना हमारी बुरी लग रही है, आप अगर ये सब कुछ ठीक होता तो मुझे लगता है डिबेट ही ना हो रही होती, आप भी अपना काम कर रहे होते, कांग्रेस पार्टी भी अपने सवाल खड़े कर रही होती, इस चार धाम यात्रा को लेकर क्यों डिबेट होती? आप कोई दिन के अखबार उठा करके देख लीजिए, जिस दिन
कि वहां पे ना तो व्यवस्थाओं को लेकर के या मृत्यु को लेकर के ऐसी घटनाएं सामने ना आ रही हों। अगर उसके बाद भी आप आंखें मूंद लेंगे, आप ये कहेंगे सब कुछ ठीक है, अगर प्रधानमंत्री जी वाला जुमला सब चंगा थी, तो फिर ये मुझे लगता है कि एक गलत संदेश आप देना चाह रहे हैं लोगों को। और अगर प्रचार नहीं हुआ, लोग अगर आ रहे हैं उत्तराखंड, ये प्रचार न कर पाना भी ये आपकी यानी हमारी उत्तराखंड सरकार की बहुत बड़ी कमी है। लोगों तक सूचना नहीं पहुंची, लोग पहुंचे और पहुंचने के बाद उनको अपने आगे नहीं। वसीन साहब, बहुत संक्षेप में 10 सेकंड में मैं चाहूंगा जवाब दें, क्योंकि वक्त बहुत कम है मेरे पास। फिर भ्रम पैदा करना चाह रहे हैं। पहली बात यह कि ऑनलाइन पंजीकरण तभी किया जाता है जब सरकारी होती है, पहली बात। अभी इन्होंने खुद ही कहा कि केंद्र सरकार मदद कर रही है, हमारी तो केंद्र सरकार ही मदद करती है, राज्य मदद जब आप फेल हो गए तब मदद कर रही है। सुन लीजिए, आपके फेलियर होने के बाद मदद कर रही है। जी जी सुन लीजिए, हरीश रावत जी का कारनामा, आपके हरीश रावत जी ने आपदा पीड़ितों का 12 करोड़ रुपया अपने लिए फिल्म बनवाने में खर्च कर दिया था। ये तो चरित्र कांग्रेस का है कि हमें नहीं दिया। हमारी मशीन पुरानी बातों पे डिबेट करती है, यात्रा को बखूबी आगे बढ़ाने में लगी हुई है और यही कारण है कि यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हाँ, आपको दिक्कत हो रही है तो मैं नहीं कुछ कर सकता, लेकिन जो दिक्कतें आती हैं हम उसका स्वागत करते हैं। हम तो लगातार आपसे कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी सुझाव देती है तो आलोचना करती है, और जो यात्री आ रहे हैं उनके लिए अगर आप कुछ कर सकते हो तो जरूर करिए, हम उसका स्वागत करेंगे। चलिए ठीक है, हम पैदा करने की और लोगों को एक गलत मैसेज देने की कृपा ना करें, ये उत्तराखंड के हित में ठीक है। सवाल उठाना लाजमी है, लेकिन जो 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 यात्रा में इस तरह की बातें हो रही हैं उससे गलत संदेश भी जाता है। लेकिन फिलहाल कई जगह ऐसी व्यवस्थाएं जिनको लेकर सवाल उठता है और सवाल बनता भी है, और विपक्ष का एक काम भी बनता है कि वो सरकार की जो जिम्मेदारी है उसको बार बार याद भी दिलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी और अमरजीत जी और विशाल चौधरी, आप तीनों हमारे साथ जुड़े, आपने वक्त दिया। चर्चा यहीं समाप्त करनी पड़ेगी, वक्त की कमी है, लेकिन सवाल है चारधाम यात्रा पर घमासान को लेकर। सरकार जहां ये कह रही कि भाई व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं, वहीं विपक्ष ये कह रहा है कि सरकार की तैयारी आधी अधूरी थी, इसीलिए चारधाम यात्रा में अव्यवस्थाएं यात्रियों को झेलनी पड़ रही है, जहां पर जगह जगह कई सारे ऐसे आंकड़े जो कि विपक्ष ने सरकार के सामने रखे हैं, और यह आरोप लगाया है कि दरअसल सरकार की पहले तैयारी चारधाम यात्रा को लेकर थी ही नहीं। बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही, इंडिया वॉइस पर खबरें जारी हैं। नमस्कार।